हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर क्लास एस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प। और आप सभी का स्वागत है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की नई क्लास में। कल तक की क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा कि इमेज को एक वेब डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करें और कैसे हम उसमें क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट हम इमेज टैग के अंदर यूज करते हैं, इन दो चीज़ों के बारे में अपन लोग क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। आज अपन को पढ़ना है नया टॉपिक और वो टॉपिक है क्या अपना कि हाउ टू इंसर्ट लिंक इन अ HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML डॉक्यूमेंट में लिंक कैसे इंसर्ट करते हैं, एक HTML डॉक्यूमेंट में लिंक को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कैसे इंसर्ट किया जाता। ओके, सो हाउ टू इंसर्ट लिंक इन HTML डॉक्यूमेंट और एक HTML डॉक्यूमेंट में लिंक को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये आपका आज का टॉपिक है कि हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट में लिंक कैसे एक्टिव करते हैं। मतलब क्या है, जो हम आपको कल भी बता चुके थे, है ना। मतलब इसका ये था कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे अपन कोई भी चीज़ क्या बोलते हैं सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने ये वेबसाइट ओपन की, तो इस वेबसाइट में अपन ने ये देखो, यहाँ पे आपको इतनी सारी लिंक दिख रही हैं, ये जो लिंक दिख रही है ना। अब इन लिंक पे हम किसी भी लिंक पे हम क्लिक करेंगे अगर, जैसे तो ये क्या करेगा, ये हमें अगले पेज पे पहुँचा देगा। ये पहुँचा दिया आपको अगले पेज पे, फिर इस पेज पे भी कुछ लिंक पड़ी हुई हैं, ठीक है। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे ठीक, तो ये लिंक क्या हो जाएगी, ये लिंक आपकी अगले वेब पेज पे ओपन कर देगी। तो एक वेब पेज आपका पहले था और उस वेब पेज में हमने एक लिंक डाली जिससे वो दूसरे वेब पेज पे आया, उस वेब पेज पे भी कुछ लिंक डाली जिससे वो तीसरे वेब पेज पे पहुंचा, तीसरे वेब पेज पे कुछ लिंक डाली जिससे वो चौथे वेब पेज पे पहुंचा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं हाइपर लिंक। क्या कहते हैं इसको, हम हाइपर लिंक करना, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करना कहलाता है हाइपर लिंक। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो बस यही चीज अपन को करनी है कि HTML का डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा और उसमें आपको लिंक को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो एक HTML के डॉक्यूमेंट में एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से हाइपर लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टैग का यूज करते हैं और उस टैग का नाम है ए टैग। कौन सा टैग, ए टैग। यह एक कंटेनर टैग होता है, यह एक कंटेनर एलिमेंट होता है, ठीक, कंटेनर एलिमेंट होता है, इसलिए इसको ओपन और क्लोज भी किया जाता है। यहाँ बीच में क्या आता है, यहाँ बीच में जो भी आपका टेक्स्ट आप लिखोगे, ठीक, यहाँ बीच में क्या आता है, टेक्स्ट आता है। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वह टेक्स्ट क्या बन जाता है, हाइपर लिंक बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइपर लिंक बन जाता है। ठीक, तो ए टैग और स्लैश ए टैग के बीच में आप जो भी टैग लिखते हो, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो, वही टेक्स्ट आपका क्या बन जाता है, लिंक बन जाता है। ठीक है, तो भैया लिंक तो बन गया, लेकिन उसे वेब पेज से कैसे जोड़ें, है ना। लिंक तो बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको हम वेब पेज से कैसे जोड़ें, ठीक। तो एक वेब पेज से जोड़ने के लिए हम इसमें एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, एक एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है और इस एट्रीब्यूट का नाम होता है, इस एट्रीब्यूट का नाम होता है HREF, ठीक, क्या HREF, ठीक है। HREF एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, HREF एट्रीब्यूट का यूज किस लिए किया जाता है, एक वेब पेज की, कोई एक वेब पेज है आपका, उस वेब पेज की लिंक को दूसरे वेब पेज से हाइपरलिंक करने के लिए HREF का यूज किया जाता है। HREF जो होता है वह हमारा ए एलिमेंट जो है उसका क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, ठीक है।
अगर हम बेसिकली सिंटैक्स की बात करें कि सर इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाएगा, तो इसका सिंटैक्स बेसिकली ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इसका सिंटैक्स आपका कैसे लिखा जाएगा, इसका सिंटैक्स हमारा लिखा जाएगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे ए और ए के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे एच आर ई एफ इज इक्वल टू हमारे वेब पेज का यूआरएल, क्या लगाएंगे, वेब पेज का यूआरएल। यूआरएल मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करो हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक, और उस प्रोग्राम को हमने राहुल डॉट एच टी एम एल से सेव किया, इससे सेव किया राहुल डॉट एच टी एम एल, ये इस नाम से हमने एक फाइल को अपना क्या किया है, सेव किया हुआ है, ठीक। इसके बाद हमने दूसरा प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को हमने आर के डॉट एच टी एम एल से सेव किया, ठीक, एक प्रोग्राम बनाया उसको राहुल डॉट एच टी एम एल से सेव किया, एक प्रोग्राम बनाया उसको हमने आर के डॉट एच टी एम एल से सेव किया, एक प्रोग्राम बनाया उसको हमने इंडियन डॉट एच टी एम एल से सेव किया। बात समझ में आई, क्या किया हमने, हमने टोटल तीन प्रोग्राम बनाए, कौन कौन से, एक बनाया हमने प्रोग्राम उसको हमने सेव किया किस नाम से, राहुल डॉट एच टी एम एल से, एक दूसरा प्रोग्राम बनाया उसको हमने सेव किया आर के डॉट एच टी एम एल से, एक तीसरा प्रोग्राम बनाया उसको हमने इंडियन डॉट एच टी एम एल से सेव किया। सपोज करो कि हमें इंडियन डॉट एच टी एम एल की जो फाइल है, इसकी फाइल है जो इंडियन डॉट एच टी एम एल की फाइल है, इसमें राहुल डॉट एच टी एम एल की फाइल को हमें क्या करना है, लिंक करना है, क्या करना है, इंडियन डॉट एच टी एम एल की फाइल में राहुल डॉट एच टी एम एल की ये जो वेब पेज है, इस वेब पेज को हमें इस वेब पेज में क्या करना है, लिंक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इंडियन डॉट एच टी एम एल में जाएंगे, ठीक है, इस फाइल को, इसका क्या बोलते हैं, फाइल ओपन करेंगे, नॉट ऑन कंप्यूटर मतलब नॉट ऑन वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर पे नहीं, टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन करेंगे। जब हम इसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे, आप जहां भी लिंक करना चाहते हो इस वाले वेब पेज को, जहां भी लिंक करना चाहते हो वहां पे हम क्या लिखेंगे, ए एच आर ई एफ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यहां पे हम क्या लिखेंगे, कौन सा वेब पेज लिंक करना है हमें, हमें पे लिंक करना है अपना ये वाला पेज आर ए एच यू एल डॉट एच टी एम, ठीक। याद रखना ये चीज आपकी क्या होगी, केस सेंसिटिव होती है, ये क्या होती है, जो आपका यू आर एल नेम होता है ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि जैसा है वैसा ही होना चाहिए, मतलब मतलब अगर हमने लिख दिया आर ए एच यू एल डॉट एच टी एम एल, ठीक, एक ये फाइल और एक फाइल लिख दी हमने आर ए एच यू एल डॉट एच टी एम एल, ठीक, तो ये दोनों एक ही फाइल नहीं है, ये दोनों अलग अलग फाइल है, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल आर से स्टार्ट हो रहा है, ये स्मॉल आर से स्टार्ट है ना, ये आपका क्या होता है, केस सेंसिटिव केस होता है ना, ये केस सेंसिटिव होते हैं, जैसा है वैसा लिखो, अपने हिसाब से कोई भी अगर चेंज किया तो वो फाइल को लोड ही नहीं करेगा, क्योंकि उस नाम की, इस नाम की हमने कोई फाइल बनाई ही नहीं है, हमने तो इस नाम की फाइल बनाई थी, तो हम ये नाम लिखते हैं, गॉट इट, ओके, वेरी गुड, ठीक। तो हम बात कर रहे थे किसकी, सिंटैक्स की, ठीक। तो यहाँ पे सिंटैक्स में यहाँ क्या आता है आपका, जो भी आप वेब पेज एड करना चाहते हो उसका एड्रेस आता है, ठीक, वेब पेज का URL आता है, ठीक। URL आने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज, क्लोज करने के बाद यहाँ हम स्लैश ए लगाते हैं, उससे पहले बीच में यहाँ पे क्या करना है, अपन को एक टेक्स्ट देना होता है जिस पे क्लिक करने पर ये वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि आपने एक वेब पेज बनाया और उस वेब पेज में यहाँ पे लिखा कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ठीक, सपोज दैट एक वेब पेज बनाया और उस पर लिख दिया अपन ने क्या, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हियर, ठीक।
और हमने ये क्लिक हेयर को क्या करना है, हमें ऐसे करना है कि जैसे ही हमारा माउस पॉइंटर क्लिक हेयर पे आए तो ये वाला पॉइंटर इस पे आ जाए। कौन सा वाला पॉइंटर देखो, ये वाला पॉइंट है। क्या ये विजिबल है सबको, दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंटर बड़ा दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक, जैसे ही हमारा मास पॉइंटर इस पे आएगा तो ये कहेगा हाँ क्लिक हियर। ठीक, ये क्लिक हियर पे ये ऐसे कब करेगा, जब हम इस क्लिक हियर को कहाँ लिखेंगे, जब हम इस क्लिक हियर को अपने URL जो हमारा पेज है, ठीक यहां लिखेंगे हम क्या, क्लिक हियर। जो भी टेक्स्ट आप यहां लिखोगे क्लिक हियर, जो भी आप लिखोगे वो आपका क्या बन जाएगा, लिंक बन जाएगा। ठीक, वो लिंक बना और फिर हम /ACS को क्या कर देंगे, इसको हम फिर /A से क्या कर देंगे, क्लोज। सो यूजिंग दिस सिंटैक्स वी कैन यूज हाइपरलिंक इन एन बैक पेज। एक बैक पेज में हम हाइपरलिंक का यूज इस सिंटैक्स का यूज करके कर सकते हैं। बात क्लियर कि नहीं? ओके ठीक, तो अगर किसी को कुछ जानकारी का लग रहा हो जो आपके काम आ सकता है तो आप वो नोट कर लें, और अगर आपको लगता है फालतू लिखा है तो रहने लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़े, इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। क्या करते हैं, इसका एक प्रोग्राम देखते हैं सिंपल से। ठीक, देख अब तो ये आने लगा होगा कि हेड के बाद क्या आता क्या नहीं आता, सबको भाई है ना होशियार हो गए अब तो सब लोग, और क्या नहीं। तो HTML हेड टाइटल, टाइटल क्या देते हैं अपन, क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं ना, तो लिख दो इंसर्ट हाइपर लिंक, इंसर्ट हाइपर लिंक। ठीक, और इसको क्या कर देंगे अपन, क्लोज कर देंगे। फिर हेड को क्लोज कर देंगे, एनी प्रॉब्लम? नो सर, इतने तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है अपन को, अपन इतने तक तो होशियार हो गए है ना, प्रॉब्लम तो यहाँ से आना स्टार्ट होनी है। इसके बाद क्या करते हैं भैया, अपन बॉडी टैग ओपन करते हैं ना। ठीक, तो बस अपन ने बढ़िया सा बॉडी टैग ओपन कर लिया। बॉडी टैग ओपन करने के बाद अपन किस चीज का प्रोग्राम बनाए भाई, जल्दी जल्दी बता दो हमें है ना, कि प्रोग्राम किस चीज का बनाए है ना। तो अपन लोग ऐसा करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए होंगे, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट के, और एक वेब पेज बनाएंगे जिसमें अपन लिंक करेंगे कि इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, सो गो टू दिस पेज। ठीक, ऐसा एक हाइपरलिंक अपन बना ले रहे हैं, सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, हमने यहाँ पे लिखा HR टैग। ठीक, और HR टैग के अंदर अपन ने बढ़िया सा बोल्ड अक्षरों में लिखा और हेडिंग 2 में लिखा। पहले हेडिंग आएगा, फिर आपका क्या आएगा, बोल्ड आएगा, हेडिंग 2 और बोल्ड भी होनी चाहिए हेडिंग। ठीक, तो हेडिंग 2 और बोल्ड लगा दिया अपन ने, और इसमें लिख दिया फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन contact us using
मोबाइल नंबर 7861111134 कॉमा 8115111134 फिर इसके बाद इतने हम लगाएंगे एक br टैग जिससे लाइन ब्रेक हो जाएगी आपकी एंड देन वी यूज h3 अच्छा इतने अपन ने क्या नहीं किया इन्फॉर्मेशन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट अस यूजिंग मोबाइल नंबर दिस 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 ठीक। इसके बाद br टैग तो लगा दिया, उससे पहले b और h2 को क्लोज भी तो करना है ना। तो b को कर दिया भैया क्लोज, अब b को क्लोज किया तो h2 जो है वो बुरा मान जाएंगे, तो इनको भी क्लोज कर दिया ठीक। और h3 के अंदर लिखा अब ईमेल, अब ईमेल address अब ईमेल एड्रेस इज बिंग बिंग रिंग, अबर ईमेल एड्रेसेस हमने यहाँ पे ए टैग यूज कर दिया, मतलब लिंक हम यहाँ बना रहे हैं, हम अपने ईमेल एड्रेस को भी एक लिंक बना रहे हैं ठीक। तो ए और ए में लिख दिया अपन ने क्या पॉलीटेक निक HEIGHTS पॉलीटेक्निक हाइट्स 786 स्विफ्ट @ gmail.com ठीक। और इसको कर दिया भैया अपन ने क्लोज, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई किसी को भैया। हाँ ये अपन ने क्या किया, सिंपल सा एक क्या बना दिया अपने पेज के बारे में, मतलब कुछ किसी को कुछ और नॉलेज चाहिए अगर तो उसके बारे में अपन ने लिख दिया कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज यहाँ आ जाओ और br टैग लगा दिया। अगली लाइन में हम लिख देंगे क्या, अगली लाइन में अच्छा br टैग तो लगा दिया सर आपने, लेकिन एक दिक्कत तो है। क्या दिक्कत है, br टैग लगाने से पहले हमें h3 टैग को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। यस ओके, नाउ स्टार्ट h2 टैग हेडिंग डाली और हेडिंग में लिख दिया अब वेबसाइट इज एस टेक्निक इंस्टीट्यूट, एस टेक्निक इंस्टीट्यूट www.astechnicinstitute.com ओके एंड यूजिंग स्लैश ए वी कैन क्लोज दिस टैग एंड ऑल्सो क्लोज h3 टैग ओके। सो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट अवर आ सिंपल सा प्रोग्राम ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम अपन ने बना लिया और इसको अपन ने बॉडी टैग को ओपन किया था, सो वी कैन क्लोज इट ठीक है। वी हैव टू क्लोज इट, हमने इसको क्लोज किया एंड वी हैव टू क्लोज ऑल्सो html टैग, सो वी कैन क्लोज इट ओके एंड दिस इज अवर प्रोग्राम। ये हमारा एक प्रोग्राम बन के तैयार हुआ ठीक। जैसे ये प्रोग्राम बना हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया इस प्रोग्राम को ठीक। इस प्रोग्राम को हमने एस टेक्निक डॉट html के नाम से क्या कर लिया, सेव कर लिया ओके। ये सेव हो गया अपना, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, एक प्रोग्राम और बनाया। प्रोग्राम क्या बनाया हमने, बनाया html फिर हेड फिर टाइटल लिंकिंग स्लैश टाइटल एंड देन स्लैश हेड एंड देन बॉडी एंड देन कुछ नहीं, हमने इस वेब पेज पे सिर्फ इतना लिखा कि
एस टेक्निक यूट्यूब चैनल इज द ओनली चैनल इन यूपी फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। प्रोवाइड It provide offline and online classes at cheapest rate. Live class is also provided on this channel. So, if you want to join this channel, please contact us. और यहां हम डाले दे रहे हैं अपना क्या लिंक कॉन्टेक्ट अस एच आर ई एफ में astechnic.html पहली वाली फाइल इसी नाम से सेव है। प्लीज कॉन्टेक्ट अस बाय क्लिक हियर ठीक और स्लैश ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, हमने क्या बनाया? HTML head title linking head body AS technique YouTube channel is the only channel in UPO for diploma student। अपने चैनल के बारे में बता रहे हैं। It provide offline and online classes at cheapest rate। Live classes is also provided on this channel। BR tech अगली रन में है। So if you want to join this channel, अगर इस चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हो, please contact us। अब वो अपन से कॉन्टेक्ट कैसे करेगा? तो कॉन्टेक्ट लिंक आपकी कौन सी है? ये वाली है ना, यहाँ पे आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इस वेब पेज को, इस वेब पेज से अपन ने क्या किया, लिंक किया और यहां लिख दिया है प्लीज कॉन्टेक्ट अस AHREF इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में पिछले वाले एड्रेस को जिस नाम से सेव किया। ठीक, पिछले वाले वेब पेज को किस नाम से सेव किया? astechnic.html। यहां लिख दिया अपन ने astechnic.html क्लोज बाय क्लिक हेयर और स्लैश ए। तो ए और स्लैश ए के बीच में क्या आया हुआ है? बाय क्लिक हेयर। तो ये क्या बन जाएगी? आपकी लिंक बन जाएगी। जैसे ये लिंक बनी, बस इतना लिखने के बाद अपन ने क्या किया, स्लैश बॉडी से क्लोज किया और स्लैश HTML को भी क्लोज किया और इस प्रोग्राम को हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। सपोज दैट astechnic.html से हमने इसको सेव कर लिया। ठीक, अब जैसे हम इस प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम आपका कौन सा ओपन करेंगे हम? ये वाला। ठीक, इस प्रोग्राम को आप जैसे ही ओपन करोगे, ठीक, तो आपको आउटपुट में कुछ ऐसा दिखेगा कि वहां क्या लिखा होगा। ठीक है, वहां लिखा होगा कि ये सब चीज जो हमने लिखी हुई है, ये पूरी चीज प्लीज कॉन्टेक्ट अस, लिखा क्या होगा, प्लीज कॉन्टेक्ट अस, अस के बाद क्या लिखेगा आपका, बाय क्लिक हेयर। और बाय क्लिक हेयर कैसा आएगा? ऐसे दूसरे कलर में आएगा, बाय क्लिक हियर। ठीक, और जैसे हम बाय क्लिक हियर पे पहुंचेंगे, तो जैसे ही बाय क्लिक हियर पे हम पहुंचेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देखो भैया जी हो जाएगा अपना।
क्या होगा, जैसे ही हम इस पे पहुंचेंगे तो ये महाराज जी आएंगे यहाँ, है ना, ये महाराज जी आएंगे, आपसे कहेंगे क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला, ठीक। और ये वाले वेब पेज का जो आपको स्क्रीन दिखेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा कि यहाँ पे डली होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके नीचे लिखा होगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस ऑन यूजिंग दिस मोबाइल नंबर, अवर ईमेल एड्रेस इज दिस 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 दिस, अवर यूट्यूब चैनल इज दिस 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 दिस, अवर वेबसाइट इज दिस दिस दिस। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक वेब पेज बना के देखना, एक वेब पेज बनाना उसको एक नाम से सेव करना, दूसरा वेब पेज बनाना उसको एक नाम से सेव करना, लेकिन दूसरे इन दोनों में से किसी भी एक वेब पेज में एक साइड की क्या कर देना, एक वेब पेज की लिंक डाल देना, ठीक है। तो आपका जैसी लिंक आएगा तो वो लिंक आपकी एक्टिव होती है या नहीं होती है आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये हाइपर लिंकिंग की जो प्रोसेस है वो समझ में आई होगी, ठीक है। हाइपर लिंकिंग की जो प्रोसेस है ये अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो चैनल पे नए हैं, ठीक है। तब तक सभी को टाटा, बाय बाय, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।